अस्सलाम वालेकुम सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं तवक्लना ऐप के अंदर एक ज़बरदस्त फीचर अभी डाल दिया गया है इससे पहले ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी तो आज मैं उस नए फीचर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर अगर एमरजेंसी हो अगर आपके पास कोई मरीज़ है आप ख़ुद मरीज हैं आपका कोई दोस्त अहबाब मरीज़ है तो यहाँ पर दो लोगों को जाने की इजाज़त है अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं तो फिर आप अपने साथ एक बंदा ऐड कर सकते हैं जो आपकी गाड़ी चला के ले जाए या फिर कोई दूसरा बंदा मरीज़ है तो आप उसके नाम के साथ अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आप गाड़ी चला कर ले कर जाएँगे हॉस्पिटल तक तो अगर आप तवकलना ऐप ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं तो ठीक है अगर यूज़ नहीं कर रहे तो बिल्कुल सिंपल सी है अगर आपने सिंपल आपने प्ले स्टोर में जाना है आई एम सॉरी कि मैं उन लोगों को भी साथ बताता चलूँ कि जिन लोगों को तवकलना ऐप का आइडिया नहीं है तो ये तवकलना ऐप आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर तवकलना ऐप को आप जो ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सर्च करेंगे तो आपके पास ये तवकलना ऐप आ जाएगी और अगर आपके पास इंस्टॉल है तब भी आप तवलना ऐप पर यहाँ पर जाके इस ओपन की जगह पर आपको अपडेट का निशान नजर आएगा जबकि जिनके पास इंस्टॉल नहीं है उनके पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा जूँ ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद बिल्कुल सिंपल सी रजिस्ट्रेशन है इसकी पाँच सात सवाल आपसे पूछे जाते हैं आप यस और नो वहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद ये तवकलना ऐप जिस तरह मैंने ओपन की हुई है आप इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको एमरजेंसी है आपने मेडिकल एमरजेंसी है आपको आपने हॉस्पिटल जाना है तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है परमिशन का ये नया फीचर ऐड किया गया इससे पहले ये चीज़ नहीं थी तवक्लना ऐप में परमिशन पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जा जाते हैं सबसे पहले सप्लाई है टेम्प्रेरी परमिट फॉर ड्राइवर है और एमरजेंसी मेडिकल परमिट रिक्वेस्ट है और जॉगिंग परमिट है तो जॉगिंग तो खैर वैसे भी अलाउ है अभी आप जॉगिंग कर सकते हैं अपने एरिया में अपने मोहल्ले में लेकिन फिर भी आपके पास एक फैसिलिटी है तो उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता तो यहाँ पर एमरजेंसी मेडिकल परमिट है तो दिस सर्विस इज़ ओनली फॉर मेडिकल एमरजेंसी ये मेडिकल एमरजेंसी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है सबसे ऊपर पेशेंट का ऑप्शन है कि आप पेशेंट ख़ुद हैं या फिर आपका कोई दोस्त है पेशेंट तो यहाँ पर अगर दोस्त को लेके जाना है तो आपने कंपेनियन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अगर आप ख़ुद पेशेंट है तो यहाँ पर मी कर देना है मैं यहाँ पर मी कर दूंगा और मैं साथ में एक किसी दोस्त को ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि गाड़ी चला कर ले जाए या मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में मदद दे तो यहाँ पर ऐड कंपेनियन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे दोस्त का जो मेरे साथ जाना चाह रहा है कर्फ्यू के टाइम के दौरान तो यहाँ पर इसका अकामा नंबर आ जाएगा और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ और अका देने के बाद मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा तो उसका बायो डाटा शो हो जाएगा बंदा सेव हो जाएगा मेरे पास और उसके बाद आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर कंपेनियन का तो यहाँ पर आपको ऐड कंपेनियन यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो अपना आईडी डी यहाँ पर शो कर दें आईडी और उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर उसके बाद फिर आपने सेव कर लेना है तो ये आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने ये नीचे रिक्वेस्ट आ रही है आपके सेंड रिक्वेस्ट परमिशन इस पर आपने क्लिक कर देना है ये सारा आपके पास बायोडाटा आ रहा है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और, है। और यहाँ पर आपने एग्री कर देना है तो वी विश यू गुड हेल्थ मेडिकल एमरजेंसी परमिट हैज़ बिन ग्रांटेड सक्सेसफुली फॉर वन आवर ये मुझे इसी वक्त इन सेकेंड्स मुझे परमिट मिल गया है अभी अगर अल्लाह ना करे कि मुझे हॉस्पिटल जाना है लेकिन इसकी कुछ शरात व भी हैं आपके पास एक घंटा होता है एक घंटे के अंदर अंदर आपने हॉस्पिटल पहुँचना होता है अगर एक घंटे के बाद आप जाते हैं और आप लेट हो जाते हैं आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको फ़ाइन हो जाएगा वही जो इसका फ़ाइन होता है कर्फ्यू का तो यहाँ पर मैं वापस आ रहा हूँ बैक आ रहा हूँ और होम पे आता हूँ तो होम पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ, मुझे जो टाइम शो हो रहा है यहाँ पे ये मेरे पास टाइम चल रहा है कि मेरे पास अट्ठावन मिनट चौवन सेकंड का अभी टाइम बाकी है और इस टाइम के दौरान मैंने हॉस्पिटल पहुँचना है फिर ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल में सम टाइम टाइम ज़्यादा लग जाता है आपको वहाँ पर टेस्ट वगैरह होते हैं डॉक्टर का चेकअप होता है तो उसके बाद फिर आप दोबारा से इसी कर्फ्यू जो पास है इसी को आप अप्लाई करें और वापसी पर अगर कर्फ्यू पास मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड नहीं मिलता तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जिस डॉक्टर के पास हैं वहाँ पे उससे आप एक लेटर लिखवा लें कि आपका ये टाइम है किस टाइम से आप हॉस्पिटल से आउट हो रहे हैं वो आपके पास हो और एक घंटे के अंदर फिर आपको वापस आना होता है चले अभी ये क्योंकि जिक्र चल रहा है तो एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता यहाँ पे दोबारा हम परमिशन पे गए और यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक कर दिया प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है सप्लाईज़ का अब जो बकाला पे लोग जाते हैं और बकाला पे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं बकाला गया था मुझे फ़ाइन हो गया और इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ा क्योंकि उनको यूज़ का नहीं पता होता इस वजह से वो मार खा लेते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन दो आ रहे हैं एक सप्लाईज़ का और एमरजेंसी सप्लाईज़ का तो एमरजेंसी सप्लाई पर क्लिक करना है एमरजेंसी सप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन आपने अपने मोबाइल की जो लोकेशन है उसको ऑन कर लेना है मेरी लोकेशन ऑलरेडी ऑन है और यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी जो लोकेशन है ये ऑटोमेटिकली से उठा लेगा तो जब आपकी लोकेशन आ जाएगी उसके बाद आपने आपने दूसरी लोकेशन वहीं जा के क्लिक करना है जहां पर आपने जाना है पर जाना मैप पे मैपे आप क्लिक कर देंगे तो उस लोकेशन को क्लिक करने के बाद आपको अपनी लोकेशन मिल जाएगी और जहां तक आपने जाना है वहां तक सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर भी आपके पास एक घंटा ही होता है एक घंटा आपको मिलता है लेकिन हफ्ते में आप तीन से चार बार बल्कि चार से पांच बार आप ये वाली परमिशन ले सकते हैं आपने बकाला जाना है या कोई चीज़ बाहर लेने के लिए जाना है तो ये वाली फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं का और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हाफिज़